सीएम एकनाथ शिंदे का आदित्य ठाकरे पर पलटवार, पूछा जनता को बताया कि 25 वर्षों से मुंबई में क्या किया। महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, शिवसेना यानी यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे के बयान पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया है। आदित्य ठाकरे के मुख्यमंत्री का मतलब भ्रष्ट वाले बयान पर उन्होंने कहा कि मुंबई के लोगों को इस तरह के आरोप पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि वह लोग बदलाव चाहते हैं जो हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, इसके साथ ही अपनी पूर्ववर्ती पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पिछले 25 वर्षों से मुंबई में सत्ता में थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए उन्हें जवाब देना होगा। शिंदे के बयान पर आई ऐसी जन प्रतिक्रिया, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस बयान पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि मिस्टर सीएम, आप 24 साल से उस पार्टी का हिस्सा जो आपके मुताबिक 25 साल से कोई काम नहीं करने के लिए जिम्मेदार है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि ठीक है, कम से कम वह मेट्रो की प्रगति का श्रेय लेने से पहले पिछली सरकार को मेट्रो के काम में देरी के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। ये कहा आदित्य ठाकरे ने। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा था कि इस वक्त मुख्यमंत्री का मतलब भ्रष्ट व्यक्ति हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संविधान बदलने जा रही है, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि ये ठेकेदारों की सरकार है, दोनों गुटों में जारी है तकरार। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे की बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। शिवसेना के दोनों ही धड़े एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हैं। शिवसेना उद्धव गुट जहां एकनाथ शिंदे गुट को गद्दार और बहुमत चोरी करने वाला करार दे रही है, वहीं एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना उद्धव गुट को बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व से समझौता कर उनके दुश्मनों से हाथ मिलाने वाला कह रहे हैं।